क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए। और क्वेश्चन देखो बहुत सारे, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके निकल गया उस टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर एक क्रिकेट की टीम है जिसका कोच है, वो कोच 7 तो बल्ले खरीदता है और 6 गेंदे खरीदता है, तो 3800 रुपये देता है। और बाद में उसने 3 बल्ले और खरीदे और 5 गेंद और खरीदी, इतने रुपए दिए। तो बताओ कि एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है। हमें ज्ञात करना है बल्ले और गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो जिसको ज्ञात करना है उसी को हमें एक्स वाई मानना है। तो पहले हमें लिखना है यहां पर, माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य हम कितना मान लेते हैं यहां पर, एक्स मान लेते हैं, एक्स रुपए, एक बल्ला एक एक्स का। ऐसे गेंद भी है तो हमें लिखना है एक गेंद का मूल्य, माना एक गेंद का मूल्य हमने कितना मान लिया, वाई मान लिया। अब यहां पर दो सिचुएशन है, 7 बल्ले 6 गेंद 3800 रुपए में, दूसरा देर का है 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए दे रखे। तो दोनों से हमें अलग अलग क्वेश्चन बनानी है। सबसे पहले लेते हैं वन, क्या क्या लेना है बताओ। 7 तो लेने हैं बल्ले प्लस और क्या लेना है आपको, 6 लेनी है गेंद, और कुल कितना रुपए आपको चुकाना है, 3800 रुपए चुकाना है। एक बल्ले का 1x तो 7 बल्ले का 7x, एक गेंद का 1y तो 6 गेंद का 6y बराबर हो गया आपके 3800। जैसे हमने ये बनाया वैसे हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है। सेकंड में आप ये लिख देना, इसी प्रकार क्या लिखोगे आप, किसी प्रकार जैसे हमने यहां लिखा वैसे यहां पर लिखोगे यही बन जाएगा। अब वहां कितने देखो 3 बल्ले हैं तो क्या आएगा, 3x, और 5 गेंदें हैं तो क्या लिखना है यहां पर, 5y बराबर कितना है, 1750। ये हमारा है समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो समीकरण बनाना बहुत ईजी है, वो हल करना ही थोड़ा भारी है। हल करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस संख्या थोड़ी बड़ी हो जाती है और कुछ नहीं, हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर y को बराबर करना है तो 6 को यहां गुणा करो और 5 को यहां पर, और x को बराबर करना है तो 7 को करो यहां पर और 3 को करो यहां पर। जैसे यहां पर मुझे y को बराबर करना है तो ये दोनों है ना, ये दो नंबर लेने हैं, ये 6 आ जाएगा यहां पर और ये 5 आ जाएगा यहां पर। और हमें यहां पर लिखना है समीकरण नंबर कौन सा, 1 को किससे गुणा करना है, 5, तथा समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करना है, 6 से करना है आपको गुणा। याद तो ये नया चीज है, बाकी तो आप पहले किया है वही तरीका है। गुणा करो देखो, 5 से गुणा करना है, 5 × 7 35x, 5 × 6 30x, 30y बराबर 5 × इस गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करते हैं ना, 5 से आधा कर लो, 38 आधा कितना होता है, 19, 1 0 बढ़ा दो 19,000, इसको से गुणा करो तो 19,000 आएगा। अब यहां गुणा करते हैं, 6 × 3 18x और ये आएगा आपके 30y, और यहां गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके कितना, 0, 5 अंक 30, असल का 3, 102 और 3 होता है 105, 6 102। अब यहां पर देखो ये हो गया वाई बराबर हो गया आप। अब हम क्या करेंगे देखो, ध्यान देना इसको, ऐसा करते हैं हम यहाँ पर साइन चेंज करते हैं। देखो माइनस माइनस, साइन क्यों बदला, दोनों सेम इसीलिए, प्लस इसीलिए। ये दिए दोनों देखो यहां पर, ये 30y 30y कट गया, एक प्लस का और एक माइनस का, 35 में से 18 गए, 17x इधर, 19,000 में से 10,500 गए, पीछे बच गए आप कितने, 8,500। गुणा है तो
तो एक्स का मान आएगा 8500 बटा 17, 17 × 5 होता है 85, और दो जीरो का, इसका मतलब एक बैट कितने रुपए का है, 500 रुपए का एक बैट है। एक्स मतलब बैट का मूल्य। अब गेंद का मूल्य निकालना है, तो वो जो है समीकरण नंबर एक दो मजा मर जाए दो, तो यहां पर हम लिखने वाले हैं एक्स का जो मान है वो हम रखेंगे समीकरण नंबर एक में दो में जा मर जाए इधर, उत्तर आने पर तो आप कहीं पर रख सकते हो, यहां रख दो इधर। कितना दिया हुआ 7x, 7 × 7 x का मान कितना है 500, ये रहा 7x, x का मान 500 प्लस 6y बराबर 3800 प्लस 6y बराबर 3800, इनको आपस में गुणा करते हैं तो आता है 3500 प्लस 6y बराबर 3800, उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो ये आएगा 6y बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और जैसे आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 300 गुणा है, तो y का मान हो जाएगा 300 बटा 6 भाग दो 6 × 5 = 30, 0 × 0 इसका मतलब है एक गेंद का मूल्य 50 रुपए और एक बैट का मूल्य 500 रुपए, 500 ये हो गया 50 ये हो गया, और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में भी आया हुआ है, लेकिन वो ग्राफ में आता था ज्यादातर, अब ग्राफ तो हट गया, देखना है कि ये वाला क्वेश्चन आपके वहां पर आएगा नहीं आएगा। समीकरण बनाना आना चाहिए और समीकरण को हल करना भी आपको आना चाहिए। अगला देखो ये वाला क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आ जाएगा सभी। एक नगर को सिटी है जहां पर टैक्सी चलती है, टैक्सी में जो भाड़ा है वो इस प्रकार का है, एक भाड़ा तो फिक्स है, नियत भाड़ा, नियत का मतलब होता है स्थाई भाड़ा, नियत मतलब स्थाई बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा होता है फिक्स भाड़ा, ये फिक्स भाड़ा है मतलब आपको बैठते ही देना है, इतना तो आपको देना ही है, और उसके बाद आपको प्रति किलोमीटर मतलब इधर ना अतिरिक्त चली गई दूरी के लिए अलग से भाड़ा है। एक तो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा मतलब होता है फिक्स भाड़ा कि आपको बैठते ही देना ही है, और फिर आपको एक किलोमीटर के हिसाब से देना है कि एक किलोमीटर जाओ इतना देना, दो किलोमीटर जाओ तो इतना देना, जैसे आप गाड़ी में बैठते बैठते ही वो मीटर घुमाते एकदम से अंदर पहले आ जाते 50 रुपए मीटर लगाते, इसलिए मीटर से चलते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कहते हैं कि 1 किलोमीटर का 2 रुपए है तो क्या करेगा, 1 किलोमीटर जाएगा और कहते ले 2 रुपए, आधा किलोमीटर गया ये ले 1 रुपया, तो इससे क्या करेगा, पहले ही वो क्या करता है जैसे आप बैठते हो मीटर घुमा सीधा आता है 50 रुपए, तो अब आपको कम से कम 10-12 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कुछ आपको पैसे पहले ही, अब आप चाहे आधा किलोमीटर रुको चाहे 1 किलोमीटर रुको आपको 50 रुपए तो देने ही है। ये समझ लो कि एक भाड़ा तो आपको गाड़ी में बैठने का है, एक भाड़ा है, एक भाड़ा जो है ना वो क्या है गाड़ी चलने का, एक तो फिक्स बैठते ही भाड़ा हो गया सीट का भाड़ा हो गया, और ये फिर आपके जैसे मान लो होता है रूम पर ही है, मान लो रूम पर दो तरह के भाड़े होते हैं, मान लो कि आप कहीं पर रह रहे हो सिटी में अंदर, आपने रूम ले लिया 1000 रुपया रूम का दे रहे हो महीने का, ये हो गया एक खर्चा, दूसरा खर्चा है कि आप होटल में रोज खाना खा रहे हो कहीं पर भी, तो ये हो गया रहने का, और ये हो गया प्रतिदिन जितना आप देखो आप रहोगे तो आपको प्रतिदिन खाना ही पड़ेगा, तो ये सिस्टम इसमें ऐसे एक तो बैठने का खर्चा हो गया और फिर आपको 1-1 किलोमीटर का अलग से पैसा देना है, आपके लिए दो खर्चे हो गए, और दोनों हमें याद भी करने, ये लिखा हुआ है एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा है हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना पड़ेगा, तो पहले आपको लिखना पड़ेगा माना नियत भाड़ा, नियत मतलब होता है स्थाई किराया, इसको हम नियत भाड़ा भी बोलते हैं, कितना मान लिया हमने यहां पर x रुपए मान लिया, मतलब ये समझ लो कि आप जैसे टेम्पो में बैठे तो आपको फिक्स इतना रुपए तो देना ही है, अब चाहे कितना ही किलोमीटर जाओ वो अलग से देना है, एक किराया आपको फिक्स देना है बैठते ही देना है, समझ लो एक सीट का है और एक चलने का है, और एक है आपके प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा अलग से देना है आप, वो होता है आपके y रुपए, ये ज्यादातर टैक्सी टेम्पो में होता है, क्योंकि इसमें क्या करते ज्यादातर कुछ लोग ऐसे नहीं है कि प्रति किलोमीटर हिसाब से आप बैठ तो गए
लेकिन आपने जितना बोला उतना गए नहीं और पहले उतर गए, या आपने कम ही किया, आपने भाड़ा ले तो लिया आधे किलोमीटर बाद ही रुक गए, तो उससे बचने के लिए वो पहले ही मीटर चढ़ा देगा सीधे ही। अब आप चाहे 1 किलोमीटर जाओ आधा किलोमीटर जाओ, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक तो नियत भाड़ा है बैठने का, और एक है प्रति किलोमीटर। मतलब जैसे सिंपल बताऊं आपको, आपको जाना है 5 किलोमीटर, कितना जाना है आपको 5 किलोमीटर जाना है, तो ऐसे मान लो कि उसमें बैठने का 20 रुपए है, फिर 1 किलोमीटर का आपको मान लो कह दे मुझे 1 किलोमीटर का 10 रुपए देना है, तो 1 किलोमीटर 10 तो 5 है, कितना हो जाएगा 50। तो ये तो आपका किलोमीटर का किराया हो गया, और ये आपका अलग से फिक्स भाड़ा जो लेता है वो, आप चाहे 2 किलोमीटर जाओगे तो भी 20 देना ही पड़ेगा आपको। जैसे अगर मान लो आप कितना हो गया 70 रुपए हो गए 5 किलोमीटर के, अगर आपको 10 किलोमीटर जाना हो तो 20 रुपए तो देना ही देना है, और फिर आपको यहाँ पर 100 रुपए अलग से देना है, तो ये हो जाएगा 120 रुपए। मतलब एक भाड़ा तो फिक्स देना है, उसके बाद प्रति किलोमीटर का आपको अलग से किराया देना है। अब ये तुम्हें समझना है, अभी कैसे समझो उस हिसाब से देखो। शुरुआत करते हैं पहला पॉइंट से, इसमें लिखा हुआ है 10 किलोमीटर जाने का मैंने कितना भाड़ा दिया 105 रुपए, तो मैं यहां पर लिखने वाला हूं 10 किलोमीटर का भाड़ा या 10 किलोमीटर का किराया, किराया कह दो भाड़ा कह दो एक ही बात है, कितने रुपए आपको किराया देना पड़ रहा है 105 रुपए आपको देने पड़ रहे हैं, जिसमें एक खर्चा तो फिक्स है, इतना तो आपको देना ही देना है, ये तो हो गया फिक्स भाड़ा। अब है प्रति किलोमीटर किराया, 1 किलोमीटर देखो प्रति किलोमीटर मतलब हो गया 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 1y तो 10 किलोमीटर कितना हो जाएगा 10y बराबर कितना आएगा आपके 105। ये भाड़ा फिक्स है और ये भाड़ा प्रति किलोमीटर है। अब ऐसे ही सेम आप लेते ना यही पर, इसी प्रकार अगला क्या दिया हुआ है 15 किलोमीटर कितना दीर्घ है 155, तो एक भाड़ा तो फिक्स है ये तो आपको देना ही देना है, फिर 1 किलोमीटर का 1y तो 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा 15y बराबर हो गया कितना बताओ आपके 155। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। इसको हल करके हम नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर किराया हम ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद हम 25 किलोमीटर का ज्ञात करेंगे बाद में, जैसे इसका ज्ञात करें ऐसे 25 किलोमीटर ज्ञात करेंगे। अभी सिंपल हम क्या करते हैं ये दोनों ज्ञात कर लेते हैं, जैसे देखो दोनों बराबर हो चुके हैं, क्या करना है काट दो ये और ये कट गया, 15 में से 10 गया इधर, घटाओ 160, एक प्लस का एक माइनस कर रहे हैं 50, माइनस माइनस गुणा है तो वाई का मान कितना आएगा ये है 50/5, कितना आ गया भाई 10 रुपए प्रति किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना देना है आपको 10 रुपए देना है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, x का मान भी ज्ञात करेंगे, नियत किराया ज्ञात करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान हम रखने वाले हैं समीकरण नंबर 1 में 2 में, जहां मर्जी आए वह रख लो, रखने पर क्या रखते x का x प्लस का प्लस 10 का 10, y का मान कितना है बराबर 105 रुपए ये वाला। अब देखो यहां पर कितना हो रहा है बताओ 100 रहे गुणा करोगे तो 105 रुपए, उधर भेज दो तो x का मान कितना आएगा घटा दो उधर भेजकर तो क्या आएगा 5 रुपए घटाओगे तो। इसका मतलब है कि आप जैसे टेम्पो में बैठते हो तो पहले 5 रुपए आपके इसी के लगे बैठने के मान लो, फिर आपके पर किलोमीटर के, जैसे यहां पर देख लो सिंपल है, जैसे ये रहा 5 रुपए का तो आपको पहले से ही देने ही देने, फिर 1 किलोमीटर कितना है 1 किलोमीटर का 10 रुपए है, 1 किलोमीटर 10 तो 10 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 5 रुपए आपका फिक्स भाड़ा है वो दोनों मिलाकर आपको कितने रुपए देने हैं 105। वैसे ही आपको 5 रुपए तो फिक्स हो गए, फिर 1 किलोमीटर का 10 रुपए लगता है, ये हो गए 150
और 5 रुपए ये कितना हो गया 155। अब इसी प्रकार हमें 25 किलोमीटर किराया ज्ञात करना है। हमें अब क्या ज्ञात करना है, ये पॉइंट 25 किलोमीटर का किराया हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है 25 किलोमीटर का किराया। कैसे ज्ञात होगा, एक तो हमें लेना है फिक्स किराया x, फिक्स तो आपको देना ही है। फिर जैसे यहां पर देखो 10 किलोमीटर था तो 10y, 15 है तो 15y, 1 है तो 1y, 25 है तो 25y। ज्ञात करो x का मान हमने ज्ञात किया कितना आया था 5 रुपए, और y का मान कितना है 10। 5 तो आपको देने ही देने हैं और 250 आपको पर किलोमीटर हिसाब देना है, तो ये हो गया आपके 255 रुपए। एक फिक्स किराया है ऊपर, वो आपको ध्यान रखना, नियत किराया लेते हैं फिक्स। इससे क्या है कि वो बैठते ही एक किराया तो कम से कम ये तो मिले मिले, दूसरा मिले नहीं मिले, इसलिए लेते। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई डाउट है तो बोलो, कमेंट करो, बात करो, बताओ कोई समस्या हो तो। ये देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में कोई भिन्न होती है ना, जैसे मान लो ये भिन्न है तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये कह रहा है कि अगर आप अंश में और हर में दो जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, दो जोड़ोगे तो वो मिलेगा और तीन जोड़ोगे तो ये मिलेगा। अब कहाँ कहाँ जोड़ना है वो भी देखो, यहां लिखा दोनों में जोड़ना है दो, और यहां लिखा हुआ है आपको दोनों में क्या जोड़ना है, आपको तीन जोड़ना है। देखो कैसे, देखो ध्यान लगाना, हमें वो भिन्न बतानी है। तो पहले क्या लगेगा, ध्यान दो, पहले हमें लिखना है माना जो भी हमारे पास भिन्न है उस भिन्न का अंश कितना मानेंगे हम, x मान लेते हैं। माना कि जो अंश है वो क्या है आपके x है, और उसी भिन्न का अगर हम हर लेते हैं वो कितना होगा आपके y। भिन्न को ऐसे लिखते हैं, अंश बटा हर ऐसे लिखते हैं। तो अगर आप वो भिन्न पे जाओगे, वो भिन्न कैसे दिखेगी आपको, भिन्न दिखेगी अंश बटा हर, अंश बटा ये हो गई वो भिन्न, अंश बटा हर। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। इसको हमने एक्स मान, इसको हमने वाई माना तो हो गया एक्स बटा वाई, तो ये आ गई आपके एक भिन्न आ गई। अब यहां पर दो सिचुएशन है, पहला इसने बोला दोनों में दो जोड़ना है, दूसरा बोला है दोनों में तीन जोड़ना है, दो अलग अलग स्थिति है। दोनों को हमें लेना, देखो नंबर वन पहले लेते हैं। अब यहां पर देखो ये हमारी भिन्न है x बटा y, इसने बोला है कि हमें दोनों में क्या जोड़ना है, दो जोड़ना है। अगर मैं इधर भी दो जोड़ूंगा और इधर भी दो जोड़ूंगा तो ये जो भिन्न है वो आपकी क्या बन जाएगी, 9/11 बन जाएगी। लिखा हो 9/11 बन जाएगी, दोनों में दो जोड़ क्या बन जाएगा 9/11। और सेकंड सिचुएशन दे रखी है, ये आपका अंश है ये आपका हर है, और दोनों में हमें क्या जोड़ना है, तीन जोड़ना है। अगर दोनों में तीन जोड़ूंगा बताओ क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। तो आपको एक्स वाई याद कर लो, इनको हल करके तो करेंगे यहां पर तिरछा गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे, 11 गुना इधर गुणा कर लो, 9 और 9 2 अब देखो यहां पर 11 इसको इधर भेज दो, ये प्लस क्या किसमें हो जाएगा आपके, इसको उधर भेज दो, ये 22 उधर जाकर घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 18 में से 22 गए 4, इसका आएगा माइनस का 4, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहां आते देखो इधर तिरछा गुणा करो, 6 + 6 = 18, इधर गुणा करेंगे 5 + 5 = 6, वाई इधर ले प्लस का इधर भेज किसमें हो जाएगा, और इसको उधर भेज दो -3 में क्या हो जाएगा, ये 18 में से 15 जाएंगे 3 बचेंगे, ज्यादा प्लस के हैं लेकिन उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, तो -3 आएंगे। ये आ गया समीकरण नंबर 1 और ये आ गया समीकरण नंबर। अब आप दोनों में से किसी एक को बराबर करना है, हल करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं इस वाई वाले को बराबर कर देते हैं,
तो क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा पांच से और इसको गुणा करना पड़ेगा किससे, नौ से। ये नौ उधर गुणा करना पड़ेगा, ये भी कहते ना अभी ऐसे नहीं भूल जाओ, समीकरण ऐसा लिखोगे ना तो ये छह यहां पर और ये पांच यहां पर, ऐसे हमें यहां पर करना सेम वैसे लिखे हुए समीकरण साथ साथ लिखोगे तो ये नौ इधर गुणा कर लिया और ये पांच इधर गुणा कर लिया, करो गुणा देखो, ग्यारह पंजे पचपन, पचपन एक्स पांच इंटू नौ पैतालीस माइनस के पैतालीस वाई बराबर पांच इंटू चार माइनस का बीस। संख्या तुम्हारी जैसे नहीं संख्या बड़ी हो गई तुम्हारा दिमाग काम करना फेल हो गया दिमाग, अगर संख्या बड़ी होती है गुणा भाग थोड़ा हार्ड होता है तो उसमें आपके वही ऐसे ही मांगे चलना है, संख्या छोटी छोटी है तब भी आप कर पाओगे। अब यहां गुणा करो, नौ छंगा चौवन, नौ पंजे पैतालीस और नौतिया सत्ताईस। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, साइन को चेंज, क्योंकि दोनों माइनस के हो गए इसलिए माइनस प्लस माइनस का प्लस। अब जो कट रहा है वो काट दो, ये और ये कट रहा है, पचपन में चौपन गया एक एक्स, सत्ताईस में से बीस गया, बड़ा कौन सा है प्लस का बड़ा है, सत्ताईस प्लस का है तो एक्स का मान कितना आया सात, मतलब आपका जो अंश है वो कितना है सात है। अब हर याद करना है तो एक्स का मान हम क्या रखेंगे समीकरण नंबर एक में या दो में मर्जी आए, जो एक्स का मान हमें रखना है समीकरण नंबर एक दो मर्जी आए, दो में रखना, दो में दो इस बार दो में रखने पर यार छह का एक्स का मान कितना आया सात माइनस पांच वाई बराबर माइनस का तीन, बस यहां पर सात लिख दिया मैंने, गुणा करो सात छंग बयालीस माइनस पांच वाई बराबर माइनस के तीन, उधर भेज दो तो माइनस के पांच वाई बराबर माइनस का तीन, उधर भेजेंगे किसमें जाएगा ये क्या हो गया माइनस का पैतालीस हो गया बयालीस, दोनों माइनस का ही है जुड़ जाएंगे। अब गुणा है तो y का मान आएगा माइनस के पैतालीस बटा माइनस के बाग कितनी बार जाएगा नौ बार, और हमारा जो आंसर है वो ये होगा, भिन्न हमारी ये है x बटा y, x का मान कितना आया सात और हर का मान कितना है उत्तर क्या आएगा सात बटा नौ। आप चाहो चेक कर सकते हो, ये रहा सात और ये रहा, इसने बोला दोनों में दो जोड़ेंगे तो वो आएगा, इसमें दो जोड़ दिया तो क्या बन गया, इसमें दो जोड़ा तो क्या बन गया आ रहा देखो। अब इसी भिन्न के अंदर इसने बोला दोनों में हमें क्या जोड़ना है तीन, इधर भी तीन जोड़ दो इधर भी तीन जोड़ दो, यहां पर क्या आएगा बताओ दस और यहां पर क्या होगा, इन दोनों में किसका भाग जा रहा है दो का भाग दोगे तो क्या मिलेगा ये आएगा, वो चेक करने के लिए है, उत्तर तो हमारा यहां मिल गया, अंश भी आ गया हर भी आ गया उत्तर आ गया आप कितना सात बटा नौ। ऐसा हल करेंगे तो हमें एक्स और वाई का मान मिलेगा, इसको बोलते हैं विलोपन विधि से ही कर रहा हूं मैं अभी, समझ आ रहा नहीं आ रहा बोल देना, अभी क्वेश्चन को देखकर समीकरण बनाकर जैसा अच्छा लगे उसे हल कर लो। अब ये तो क्या दिया हुआ, पांच वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितना है भाई तीन गुना हो जाएगा, ये कब होगा तीन गुना पांच साल बाद होगा, पांच साल बाद तीन गुना, लेकिन पांच साल पहले कितना था सात गुना था, छोटा होता है तो उम्र हमेशा पहले अगर जाएंगे तो उम्र हमेशा ज्यादा गुना होती है, जैसे अगर मान लो कि पिता है 21 साल का और पुत्र कितना साल का है एक साल का, तो अभी कितना गुना है 20 गुना ज्यादा है, अब ज्यादा बोलेंगे 20 गुना है ना ऐसे बोलेंगे 21 गुना है, एक ही बात है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा ना जैसे मान लो 10 साल का हो गया तो पिता कितना हो जाएगा 31 साल का या 30 का हो जाएगा, इसमें भी 9 जोड़ दो और इसमें भी ऐसा थोड़ी है कि ये 20 गुना है तो अभी भी 20 गुना हो जाएगा, ये 10 साल का हो गया बेटा
पापा हो गए 2 साल के, ऐसा होगा नहीं। जैसे जैसे देखो उम्र बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ये है ना, ये गुना कम होता जाएगा। पहले था 21 गुना, अब कितना हो गया? 3 गुना रह गया। तो इसलिए देखो यहाँ बोला, देखो बाद की उम्र में तो यहाँ पर कितना है? 3 गुना है, और पहले की उम्र में कितना है? 7 गुना। पहले ज्यादा होता है, बाद में जैसे उम्र बढ़ती रहती है वो गुना क्या होता है? कम होता रहता है, और ज्यादा जाएगा और ज्यादा जाएगा। जैसे मान लो कि बेटा हो गया 21 साल का, पापा हो गया 42 साल के, तो अब क्या है? केवल 2 गुना ही है। पहले 21 गुना था, फिर 10 गुना था, और बढ़े और उम्र बढ़ गई तो क्या हो गया? 2 गुना। और अगर बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, अगर 100 साल का आया, 80 साल का आया, तो अब और बढ़ाएंगे ये और बिल्कुल पॉइंट में आता है इसका गुना जो भी है आपके। मतलब जैसे जैसे बढ़ाते हैं वैसे वैसे उम्र बढ़ती रहती है, वैसे गुना कम होता रहता है। अब यहां पर देखो दो है, एक तो है जैकब और एक है जैकब का पुत्र। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर? माना जैकब की आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, क्योंकि हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना, तो यहां पर लिखते हैं जैकब की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कितने मान लेते हैं यहां पर? एक्स वर्ष मान लेते हैं। माना कि उसका पिता एक्स वर्ष का है, 21 साल का है, 20 साल का, जो भी है। और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, जैकब का जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु हम कितनी मान लेते हैं? वाई वर्ष मान लेते हैं। चांस बहुत कम है कि इस टाइप क्वेश्चन आता है, ज्यादातर वही आएगा, विलोपन वाला है और प्रतिस्थापन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसी को हल करते हैं। लेकिन फिर भी हम इसी की, क्योंकि ये भी आपके बुक में दिए हुए हैं, तो इनकी भी आपको तैयारी करनी है। अब देखो यहां पर सिचुएशन नंबर 1 क्या बोला? पहले सिचुएशन बोला है 5 साल बाद, पहले इसने क्या बोला? 5 वर्ष बाद। 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद जितनी जैकब की उम्र है, 5 साल बाद जितनी जैकब की उम्र है या जैकब की जो आयु है, और उसी 5 साल बाद पुत्र की आयु का कितना हुआ? देखो 5 साल बाद बोला तो 5 साल दोनों की उम्र बढ़ेगी, ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद में पापा का तो बढ़ गया, 2 साल का बढ़ गए ना, बेटा अभी तो 2 साल उतना ही है उम्र, उम्र सबके साथ में बढ़ती है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 5 साल। अगर इसको हम यहाँ पर भी अलग से पॉइंट ले तो यहाँ पर लेता हूँ, देखो 5 साल बाद जैकब की जो आयु है वो क्या होगा? पुत्र की जितनी आयु है उसका कितना होगा? 3 गुना। पुत्र की आयु का 3 गुना। पहले हमने कहा जैकब की आयु, ध्यान है ना, जैकब की ये वर्तमान आयु है, कि जैकब की जो आयु है ना ये वाली, ये एक्स और इसकी है वाई, लेकिन ये जो आयु है वो वर्तमान आयु है, यहां लिखा हुआ है ये क्या है? वर्तमान आयु। हमें कौन सी आयु लेनी है? 5 साल बाद। अब 5 साल बाद क्या होगा? दोनों की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, दोनों की बढ़ेगी 5 साल उम्र 5 साल बाद। तो ये हो जाएगा आपके x प्लस 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके y प्लस 5, और अपने पुत्र की आयु का कितना गुना? 3 गुना। तो हम 3 गुना ले लेंगे, 5 साल बाद की आयु का 3 गुना है। तो हम ऐसे 5 साल लेकर फिर 3 से गुणा करना है आपको। अब इसको हल करेंगे तो देखो समीकरण बन जाए, इसको उधर भेज दो तो x का x इधर कितना हो जाएगा? पहले ऐसे लिख देता हूं, गुणा कर लो 3y+15, इसको उधर भेज देंगे तो ये आएगा x+3y बराबर कितना हो गया? उधर भेज दो, घटा दो, 10 बचेगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये है 5 साल बाद की आयु का त्रिगुना। अब हम यहां पर लेते हैं सेकंड पॉइंट लेते हैं, यहां पर देखो 5 वर्ष पूर्व, सेकंड पॉइंट लेते हैं हम यहां पर 5 वर्ष पूर्व। और पूर्व में क्या हुआ देखो, ध्यान रखना वही सेम लिखनी है आपको, इसने बोला है क्या लिखा हुआ देखो, जैकब की जितनी उम्र है, जैकब की आयु बराबर कितनी हो जाएगी? अपने पुत्र की आयु का कितना गुना? 7 गुना। ये आएगा आपके 7 गुना। 5 वर्ष बाद में तो है 3 गुना, और 5 साल पहले में कितना है? 7 गुना। लेकिन ध्यान रखना ये है वर्तमान आयु,
एक्स जो है वो वर्तमान आयु है और पुत्र की कितनी है, वाई है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है 5 साल पूर्व, तो हमें यहां पर 5 साल पूर्व की आयु लेनी है, 5 साल पहले की उम्र लेनी है। तो 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले 5 साल कम थी उम्र, कम थी तो घटाना पड़ेगा। इधर भी 5 घटा दो और इधर भी 5 घटा दो। जैसे मान लो पिताजी 42 साल के अभी, तो 5 साल कितने थे, 42 - 5 37 हो जाएंगे। बात का बोलेंगे तो जोड़ देंगे, पहले बोलेंगे तो घटा देंगे। अब यहां पर था 3 गुना, जबकि वहां पर कितना है, 7 गुना था। हमें किसे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। ये आ गया x माइनस 5 और ये आ गया आपके 7y - 7 - 35 प्लस का इधर भेज दो, माइनस इसको उधर भेज दो, प्लस हो जाए उधर जाते 35 में से 5 गए 30, ज्यादा कौन से हैं, माइनस के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर ये क्या लिख दो या इधर लगा दो, x माइनस 7y बराबर कितना है, माइनस का 30। क्या करेंगे, साइन चेंज कर दो, ये दोनों सेम दिख रहे हैं ना, और दोनों प्लस के हैं तो माइनस प्लस प्लस, ये और ये कट गया, हाँ ये कट गया, ये और ये 7 और 3 10y = 40 गुणा है। तो इधर से हम याद करेंगे कि भाई वाई का मान कितना हो गया, 4 साल। वाई का मान कितना आ गया, भाग दोगे तो मतलब पुत्र कितने साल का है, 4 साल का है। अब हम क्या करेंगे, 4 साल यहां लिखेंगे, गुणा भाग से किया कि 7 और 3 10 प्लस का इधर से किसमें हो गया, हाथ वाई, हाथ पंजा 35। पांच कितना बोला इनने, 5 साल पूर्व बोला ना, तो गुणा किया इधर 5 साल पूर्व में 5 घटाएंगे, इधर हमने जोड़े थे 5 हो गया 5 15 आते इधर आया था, देखो यहाँ उत्तर क्यों नहीं आ रहा, देखो ये किसका है आपके, 7 में 3 गए 4y और ये कितना हो गया आपके 40, भाग दो तो y का मान कितना आएगा, 10 साल। बेटा कितने साल का है, 10 साल का, ये साइन हमने गलत लगा दी। अब यहां पर देखो 10 यहां लिखेंगे हम, कह देना वाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये कितना होता बताओ, 70। उधर भेज दो, प्लस हो जाएगा 70 - 30 कितना होगा, 40 साल। पिता है 40 साल का, पुत्र कितना है, 10 साल का। आप तो चेक भी कर सकते हो, ऐसे जैसे आप चेक करना हो ना, ये 40 का है ये 10 का है, पहला पॉइंट ये वाला। 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15। कितना गुना बताओ, है 3 गुना। अगर ऐसे यहां पर माइनस कर देता हूं मैं, कितना हो जाए, 5 घटा दो कितना आएगा, 35। 5 घटाओ कितना आएगा, कितना गुना है, 7 गुना। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं कि उत्तर सही आ रहा है कि नहीं, नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। बहुत है